और बॉडी जो है वो एक पैराग्राफ पे नहीं होती, जिस तरह इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ पे होता है या कंक्लूजन एक पैराग्राफ पे होता है, बॉडी जो है ये लंबी लेंथ ही होती है, जिस तरह आप अपना आर्ग्यूमेंट प्रूव करते हो, लंबी चौड़ी कहानी होती है जिसमें जिसमें डिफरेंट मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं। और बॉडी क्यों जरूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन शायद वो चीज है जो आपको पास या फेल करवा देगी। इंट्रोडक्शन की मदद से आपके शायद 40 मार्क्स आ जाए, उसको पता चल जाएगा इसे अंग्रेजी भी आती है और इसको स्ट्रक्चर भी आता है और इसके पास कंटेंट भी अच्छा है, सीख किया है ये लड़का। लेकिन बॉडी वो चीज है जो आपको 40 से ऊपर मार्क्स देगा। कितने ऊपर आप 40 से जाते हैं, वहां पे वो देखा कि आपने अपनी बात किस तरह से प्रूव की हुई है, आपको पैराग्राफ बिल्ड करना आता है, आपने क्या चीजें सीखी हुई है, क्या आप कॉन्टेंट रीड किया हुआ है, आपकी बेसिक ग्रामर की मिस्टेक्स तो नहीं है, ये वो इस तरह की चीजें, आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है। बॉडी में जाके एग्जामिनर आपकी ये सब चीजें देखना चाहता है। तो इट इज वन ऑफ द थ्री मेजर एलिमेंट्स ऑफ एन एसे। तीन में से जो अगर मैं रेट करूं तो मैं इसको लीस्ट इंपॉर्टेंट शायद कहूंगा, अगर तीन होते हैं उसमें इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी, उसमें से मैं इसको लीस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा। लेकिन लीस्ट इंपॉर्टेंट का ये मतलब नहीं है कि आप इसे छोड़ ही दें, इसको बिल्कुल काम करने की जरूरत है, क्योंकि कोई पता नहीं एग्जामिनर शायद आपके यही पैराग्राफ उठा ले। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसे बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन और बॉडी एक दूसरे डिफरेंट कैसे हैं। इंट्रोडक्शन में भी तो हम ऐसे के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर ये बॉडी से कैसे डिफरेंट हो गया। इंट्रोडक्शन में एक पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पैराग्राफ, और वो पैराग्राफ जो होता है वो बाकी बॉडी से अलग होता है, उसके एंड पे थीसिस स्टेटमेंट लगती है और वो बाकी हम बड़े क्लियर लाइन होती है कि हम एक ब्रॉड बात से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारा लेक्चर हो चुका है और सारे ये देख चुके हैं कि हम एक ब्रॉड बात से स्टार्ट करते हैं और हम इवेंचुअली एक पॉइंट पे आके उसको एंड करते हैं, और वो पॉइंट क्या होता है, थीसिस स्टेटमेंट। तो जो बॉडी है इसके अंदर मल्टीपल पैराग्राफ होते हैं, आप इसके अंदर 20 से 25 पैराग्राफ लिखते हैं, ये भी हमारी पहले बात हो चुकी है, आउटलाइन में हमारी बात हुई थी कि एक बॉडी के अंदर कितने पैराग्राफ होंगे। और इनमें और क्या फर्क है, इंट्रोडक्शन और बॉडी में और क्या फर्क है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ स्टेट करते हैं चीज के कौन सी चीज कैसे है, आप एक्सप्लेन नहीं करते कि ऐसे है तो क्यों है, ये आपने जाके चीजें कहां बतानी है, बॉडी में। ये सब चीजें अपने अपने रैशनल जो जाके एक्सप्लेन करना है, जाके सब कुछ बॉडी में एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ आप स्टेट फैक्ट करते रहेंगे, एक स्टेटमेंट देते रहेंगे कि मेरा नाम हमाद है, मैं यहाँ से ताल्लुक रखता हूँ, ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरा प्रोफेशन है। मैंने ये नहीं बताया कि मेरा नाम ये क्यों है या मैं यहाँ पे क्यों रहता हूँ और ये प्रोफेशन मेरा क्यों है, मैंने रीजन नहीं बताई। वो रीजन कहाँ पे बतानी है जाके, आपने रीजन आपने जाके बॉडी में बतानी है, रीजन इंट्रोडक्शन में नहीं है, बॉडी के अंदर जाके आपका सारा आर्ग्यूमेंट जो जाके प्रूव होगा विद द हेल्प ऑफ एक्सपोजिशन, विद द हेल्प ऑफ अदर डिफरेंट थिंग्स जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और इंट्रोडक्शन की लेंथ क्या होती है और बॉडी की लेंथ क्या होती है। इंट्रोडक्शन की अगर हम लेंथ देखते हैं तो इंट्रोडक्शन की हम नॉर्मल लेंथ जो होती है वो मैंने आपको बताया था कि 8 to 9 लाइंस होती हैं, 8 to 9 लाइन, और उसमें आखिरी जुमला होता है वो आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है। तो बॉडी की लेंथ एक पैराग्राफ की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो हमें FPSC ने तो ये कहा हुआ है कि आपने ऐसे जो है 2500 से 3500 अल्फाज का लिखना है, लेकिन हमने इससे बात की थी कि हमने 2000 से ऊपर जाने की कोशिश करनी है फॉर सक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो एक पैराग्राफ की लेंथ क्या होगी, एक पैराग्राफ की लेंथ 80 to 100 वर्ड्स की होती है। नॉर्मली आपके एक एक पेज की एक साइड के ऊपर दो पैराग्राफ आ जाने चाहिए, 6 lines के अंदर 6 sentences में आपके 80 to 90, 5 से 6 sentences में आपके 80 to 100 वर्ड्स पूरे हो जाते हैं। तो ये जो आपका पैराग्राफ बॉडी का एक पैराग्राफ है, ये आपके इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ से नॉर्मली छोटा होता है, और बड़े क्लियर एक वाजे एक डिवीजन इनके दरमियान, जिधर से आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये इंट्रोडक्शन है और यहाँ से मेरी बॉडी स्टार्ट हो गई है। इसमें आपने हेडिंग देने की कोई जरूरत नहीं है, हेडिंग देने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर पता है कि पहला पैराग्राफ जो है इंट्रोडक्शन है, वहां पे भी हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, और जब बॉडी स्टार्ट हुई है तो वहां पे भी हमें कोई जरूरत नहीं है हमें हेडिंग देने की। फिर हम बात करते हैं कि अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि इंट्रोडक्शन और बॉडी में फर्क क्या होता है, अब हम ये देखते हैं कि हमने बॉडी को डेवलप किस तरह से करना है, उसमें जो डिफरेंट मल्टीपल पैराग्राफ्स आएंगे, जो 20 से 25 पैराग्राफ है जो हमारी बुलेट्स की मदद से बने हुए हैं, उनको हमने बिल्ड कैसे करने हैं। हमें ये तो पता है कि पैराग्राफ इतने बनेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनको बनाना कैसे, हमें उसका मेन आर्ग्यूमेंट भी पता है कि हमने बात क्या करनी है, कहां से पता है, क्योंकि हमने वो आउटलाइनमेंट डिस्कस किया था। तो हमने ये देखना है कि किस तरह से ये हमने अपने पैराग्राफ को डेवलप करना है। हर पैराग्राफ की एक ओपनिंग स्टेटमेंट होती है, ओपनिंग स्टेटमेंट नॉर्मली वही होती है जो आपने अपनी आउटलाइन के अंदर बुलेट दी होती है। जो बुलेट आपकी होगी वही आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, डिमाइज ऑफ काज आजम लेड टू लीडरशिप वैक्यूम, ये आपकी बुलेट थी, तो आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में भी ये बात कर सकते हैं, ड्यू टू द डिमाइज ऑफ अर्ली डिमाइज ऑफ काज आजम देर वॉज लीडरशिप वैक्यूम क्रिएटेड इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान या पोलिटिकल प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान, इस तरह की बात कर सकते हैं। अब इस बात को आपने प्रूव कैसे करना है, वो प्रूव करना है आपने अपनी एक्सपोजिशन की मदद से, एविडेंस की मदद से। ये बात तो मैंने कर दी है, कैसे भाई लीडरशिप वैक्यूम कैसे क्रिएट हो गया, ये बात तो बतानी है ना।
अब ये बात प्रूफ करूंगा तो मैं मुझे नंबर मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। और बात को प्रूफ कैसे करना है, बैकिंग विद एविडेंस टू प्रूव योर पॉइंट ऑफ व्यू। और वो एविडेंस क्या है, वो फैक्ट्स हैं, वो फिगर्स हैं, वो कोट्स हैं, वो कोटेशन हैं, वो रेफरेंसेज हैं, वॉइस ऑफ अथॉरिटी है। हम ये बात कर सकते हैं कि जनाब इंडिया भी हमारे साथ ही आजाद हुआ था, इंडिया का कोई कायदे आजम की डेथ नहीं हुई, पाकिस्तान की कायदे आजम की डेथ हुई, इंडिया के नेहरू तो जिंदा रहा, उनका लीडर जिंदा रहा, इसीलिए वहां पे डेमोक्रेसी फ्लरिश कर गई। मैं पैराग्राफ बिल्ड कर रहा हूँ, उसमें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। इसी तरह मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में कायदे आजम की डेथ हो गई इसीलिए हम लीडरशिप वैक्यूम का शिकार हो गए। तो इस तरह हम पैराग्राफ को बिल्ड करेंगे, उसमें फैक्ट्स, फिगर्स, कोटेशन, कोट्स, रेफरेंसेस की बात करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव कर देंगे। फैक्ट्स क्या होते हैं, ये बड़ी जरूरी बात है कि फैक्ट्स क्या होते हैं। जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने फैक्ट्स कोट करने हैं, फैक्ट्स कोट करने हैं, फैक्ट्स फैक्ट्स है क्या चीज, फैक्ट कोई भी ऐसी चीज है जो आपने नहीं बनाई, वो चीज वैसे है, चाहे आप उसका उस पर जो मर्जी ओपिनियन हो वो चीज वैसी की वैसी है। कायदे आजम 1948 में डेथ, उनकी डेथ हो गई थी, इट इज अ फैक्ट, आप चेंज नहीं कर सकते उसे। पाकिस्तान 1947 में आजाद हो गया था, इट इज अ फैक्ट, आप चेंज नहीं कर सकते उसे। दिस इज अ फैक्ट कि मालदीव विल नो लॉन्गर बी अ कंट्री इन 2050, वो पानी के नीचे चला जाएगा, डूब जाएगा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, आप उसको क्लाइमेट चेंज में यूज कर सकते हैं जाके। तो फैक्ट्स मल्टीपल इस तरह की चीजें, हिस्टोरिक चीजें जो हो चुकी होती हैं, विच आर डन, या जो साइंटिफिक एविडेंस से प्रूव होती हैं कि जो हो जाएंगी साइंटिफिक एविडेंस की मदद से, ऐसी चीजें जिनमें आपका कोई अमल दखल नहीं, जो जैसी है बस वैसी ही है, फैक्ट। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं फिगर्स की। फिगर्स और फैक्ट में क्या फर्क हो जाता है, फैक्ट बेसिकली एक हिस्टोरिकल इवेंट होता है कि जो चीज जैसे होगी, फिगर वो चीज होती है जो आपकी किसी एक एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करती है। फॉर एग्जाम्पल सीपैक अगर है तो 62 बिलियन डॉलर का है, दिस इज अ फिगर, 62 बिलियन डॉलर का, वो 63 बिलियन डॉलर का नहीं हो सकता क्योंकि वो 62 बिलियन डॉलर का है। इसी तरह सीपैक में जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो 35 बिलियन डॉलर के हैं, उतने के ही हैं, वो चेंज नहीं हो सकते जो मैंने आपको दे दी। और जो बिल्कुल ठीक बात है जिसमें मैंने कोई अपनी तरफ से बात नहीं की, ये मेरे एक एविडेंस है जो मैं अपनी जाके पैराग्राफ में लगाता जाऊंगा, जोड़ता जाऊंगा और मेरा एक पैराग्राफ बिल्ड हो जाएगा। फिर बात करूं कि कोटेशंस की जरूरत है, कोट्स की जरूरत है, कोट्स और कोटेशंस की क्यों जरूरत है, कितनी जरूरत है। कोट्स और कोटेशंस जितनी ज्यादा लगाई जाए उतनी ही कम है, कोट्स और कोटेशंस कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते। कोट्स की आपको बहुत अशद जरूरत है, कम से कम मैं समझता हूँ कि ऐसे के अंदर आपको 8 to 10 कोट्स आपके होने चाहिए। और कोट्स किन के होने चाहिए, किसी भी एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी के नहीं हो सकते, ठीक है। आप किसी ख्वाजा साद रफीक के या किसी भी पॉलिटिकल लीडर के, किसी ब्यूरोक्रेट के जो वाइडली रिकग्नाइज नहीं है, उसकी बात को कोट नहीं कर सकते। आपको किसको कोट करना है, आपको उसमें कोट करना है यूएस प्रेसिडेंट्स, यूएस के जो टॉप 10 प्रेसिडेंट्स उनको कोट करें। वो कौन कौन से टॉप 10 प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें हमारे पास वॉशिंगटन आ जाते हैं, उसमें हमारे पास ओबामा आ जाते हैं, उसमें JFK आ जाते हैं एंड मल्टीपल अदर, वुड्रो विल्सन है उसमें हमारे पास, और जेफरसन है, जैक्सन है, उसमें जो टॉप अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं जिनकी बहुत इनसाइट है, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त पढ़ा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त रूल किए उन्होंने, तो हम उनको कोट कर सकते हैं। उनकी बहुत खूबसूरत बातें हैं इसमें, JFK के कोट्स बहुत अच्छे हैं, पीस और वॉर के ऊपर बहुत अच्छे हैं, वॉशिंगटन के और जेफरसन के डेमोक्रेसी के बहुत अच्छे कोट्स हैं। तो आप यूएस प्रेसिडेंट को कोट कर सकते हैं और आप किसको कोट कर सकते हैं, और आप दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को कोट कर सकते हैं, नेल्सन मंडेला को कर सकते हैं, माओ ज़ेडुन को कर सकते हैं, महाथीर मोहम्मद है, उसमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है, और उसमें इलामा इकबाल है एंड मल्टीपल अदर, और इसके अलावा क्या कोट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम यूएन सेक्रेटरी जनरल्स को कोट कर सकते हैं, कोफी अनान है और अभी जो गुटेरेस हैं इनको कोट कर सकते हैं, फिर हम सोशल एक्टिविस्ट को कोट कर सकते हैं, तो बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट गुजरे हुए हैं इनको कोट कर सकते हैं, लेकिन हमने कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटीज को कोट नहीं करना, ठीक है। कोट हमने हमेशा किसी रिलायबल सोर्स पर करना है जिसकी बात को क्रेडिबल समझा जाता है उसको कोट करना है। और कोटेशंस, ऑब्वियसली कोटेशंस इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोटेशंस आपकी लिटरेरी साइड को बड़ा निखार के लेके आते हैं सामने। अगर आपकी कोई बात वीक जा रही है, आप एक कोटेशन देते हैं जो कि जैसे है वैसी आपने बात कर दी, तो वो आपकी लिटरेरी सेंस लेके आएगी, ये भी शो होगा कि ये बंदा वेल रेड है, ये बंदा पढ़ता है, पढ़ने की आदत है इसे, और वो ऑब्वियसली कोटेशन का जुमला तो बड़ा मीनिंगफुल जुमला होता है जिसके ग्रामर ही बड़ी खूबसूरत होती है, उसमें idioms लगे होते हैं, उसमें phrasal words लगे होते हैं, तो quotations are very important, आप दोनों से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसे। फिर अब quotes और references को लिखना कैसे है, आप ये facts figures की बातें जब करेंगे या फिर आप वर्ल्ड बैंक का कोई रेफरेंस देंगे कि वर्ल्ड बैंक की अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ये हो गया, IMF की इस रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज़ ऐसे है, इतना खर्चा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की ये रिपोर्ट ने ये कह दिया, अलिफ एलान ने ये कह दिया, ये चीज़ें आपने लिखनी कैसे, अपनी राइटिंग में लिखना कैसे। जब हम ये बात करते हैं कि लिखना कैसे, तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि इसको लिखना किस तरह से है। इसको लिखना इस तरह से है कि एक पुराना तरीका था लिखने का,
जिसमें आप क्या करते थे कि ये आपकी राइटिंग जा रही है और इसमें आपने कोई कोट लिखना है या रेफरेंस लिखना है, तो आप उसे यहाँ पे जस्टिफाई करके सेंटर में इस तरह करके, और नीचे वहां पे अपना वर्ल्ड बैंक लिख दिया या इलामा इकबाल लिख दिया, जो भी आपने लिखा इस तरह कोट कर दिया। ये पुराना तरीका था, विच इज एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट, आउटडेटेड मेथड, आपने इसको फॉलो नहीं करना। जो तरीका मैं अब बताने लगा हूं आपने इसको फॉलो करना है, क्योंकि ऐसे कि मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि ऐसे ऐसी राइटिंग का नाम है जिसके अंदर कोई ब्रेक नहीं होती। आपको कोई चीज जस्टिफाई करके लिखने की जरूरत नहीं है, सेंटर में लिखने की जरूरत नहीं है। आपने उसको अलग से, मैं दोबारा इस पे ताकीद दोबारा कर रहा हूं कि आपने उसको राइटिंग के अंदर मर्ज करना है। अपनी राइटिंग के अंदर कैसे मर्ज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके ऐसे स्टार्ट हुए, एक कोट से स्टार्ट हुआ, अब्राहम लिंकन के कोट से स्टार्ट हुआ, आप उसमें क्या करें, आप उसको ऐसे स्टार्ट करें कि अब्राहम लिंकन सेड कॉमा, और आपके आगे इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट है, उस उधर से ही स्टार्ट है। आप आगे पूरा कोट लिखें और कोट खत्म होगा और वहीं पे जाके आप इनवर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे और आगे से आपका अगला जुमला स्टार्ट हो जाएगा। कोई ब्रेक नहीं आएगी, कोई आप लाइन नहीं चेंज करेंगे, वहां पे कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होगी, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने आपका ऐसे पढ़ना है तो उसको ये चीज नजर आ जाएगी, और अगर उसने नहीं पढ़ना तो चाहे आप इसे जस्टिफाई करके लिखें, मार्कर से लिखें, उसे फिर भी ये चीज नजर नहीं आएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आपने इसे अपनी राइटिंग के अंदर कोट्स को मर्ज करना है, रेफरेंसेस को मर्ज करना है, एक्स्ट्रा करने की बाहर जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो कोट्स और रेफरेंसेस करने का ये तरीका है। फिर हम बात करते हैं कि अब हमने पैराग्राफ, मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, 20 से 25 पैराग्राफ्स हैं, उन पैराग्राफ्स को आपस में जोड़ना कैसे है? क्योंकि हम जोड़ेंगे नहीं तो हमारी तो राइटिंग में कोहेरेंस नहीं रहेगी, एक सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ थॉट्स नहीं रहेगा, तो हम फिर कैसे इसको एक ऐसे बॉडी की, बॉडी कहते ही इसीलिए क्योंकि एक दूसरे चीज जुड़ी होती है, जिससे इंसानी ह्यूमन बॉडी है जुड़ी हुई है एक चीज से, बाजू अलग नहीं है, सर अलग नहीं है, इसी तरह बॉडी भी जुड़ी हुई है आपस में, हम इसको अलग नहीं कर सकते। तो हमने इसको खूबसूरती के लिए हम इसको कंजंक्शन से अपने पैराग्राफ को इकट्ठा करते हैं। कंजंक्शन कौन सी यूज हो सकती है? अब क्योंकि हम फॉर एग्जाम्पल कॉजेज की बात करें, किसी भी क्लाइमेट चेंज के कॉजेज की बात करें, तो ऑब्वियसली सारे जो भी मैं बुलेट पॉइंट्स बताऊंगा ये कॉजेज हैं, वो सारे क्लाइमेट चेंज के कॉजेज ही हैं। तो मैं बता सकता हूँ कि पहला कॉज ये, इन एडिशन टू अगला ये, तो मैं जब अगला पैराग्राफ में अगला पॉइंट डिस्कस करूंगा तो मैं उसको किसी कंजंक्शन से स्टार्ट करूंगा, और कंजंक्शन क्या हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए कुछ लिख दिए यहाँ पे, मोर ओवर हो सकता है कि मैं मोर ओवर से स्टार्ट कर लूँ कि मोर ओवर वो मसला था लेकिन मोर ओवर ये भी है, फिर मैं इन, क्योंकि मोर ओवर बार बार तो नहीं लगा सकते, फिर मैं इन एडिशन टू लिख सकता हूँ, इन एडिशन टू दैट ये भी मसला है, फिर मैं लिखता हूँ फर्दर मोर लिख सकता हूँ, फिर मैं लिख सकता हूँ इक्वली इंपॉर्टेंट कि वो बात भी थी लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, फिर व्हाट इज मोर, और मल्टीपल अदर ऑल्सो भी लिख सकते हैं आप, एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। तो जब आपकी चीजें एक जैसी होंगी, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट कर रही होंगी, तो आप इस तरह के कंजंक्शन यूज करते हैं। तो इसके अलावा और जब आपका पूरा हेड एक दूसरे से चेंज होगा कि आप बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज की, आप फॉर एग्जांपल दो साइड बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कुछ प्रोपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो ही नहीं रहा, कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज वाकई हो रहा है, तो जब आपने इस तरह की बातों में स्विच करना है तो ऑब्वियसली आप फिर कोई ऐसा कंजंक्शन लेके आएंगे जो कि ऑपोजिट एंड्स को शो करे, तो उसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इन कंट्रास्ट, कॉन्ट्रेरीली लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि पता चल जाए एग्जामिनर को पढ़ते ही कि उसको इस पैराग्राफ के अंदर क्या चीज मिलेगी, पिछली बात को वो चीज कॉम्प्लीमेंट करी होगी या कोई डिफरेंट चीज मिलेगी, ऑपोजिट बात मुझे को मिलेगी। और अब हम बात करते हैं कि हमने जो डिफरेंट हेड्स हमारे आउटलाइन में थे, उन हेड से जब एक हेड से दूसरे हेड में स्विच करना है, हमने बुलेट्स की तो बात कर ली, एक बुलेट से दूसरे बुलेट में स्विच करना है तो हमने वो तो देख लिया कंजंक्शन से कर सकते हैं, तो हेड से जब हेड पे स्विच करना है, एक हेड से दूसरे हेड पे, उसको कैसे करना है? उसको करने के दो तरीके हैं। अगर तो आपको इसी तरह का क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है जिसमें आप दो साइडें बता रहे हैं, तो आप किसी कंजंक्शन से भी कर सकते हैं कि इन कंट्रास्ट लगा दें आप, कॉन्ट्रेरी लगा दें, लेकिन अगर कोई डिफरेंट टॉपिक है तो आप एक ट्रांजिशन पैराग्राफ दे सकते हैं छोटा सा। ट्रांजिशन पैराग्राफ क्या चीज होती है? ट्रांजिशन पैराग्राफ बेसिकली 3 से 4 सेंटेंसेस का एक छोटा सा पैराग्राफ होता है जिसमें आप बता देते हैं कि ये कॉजेज और इफेक्ट्स थे इसके पहले, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है, तो मुझे पता चल जाएगा कि अगले पैराग्राफ में क्या आने लगे, अब सॉल्यूशन आने लगे। तो छोटा सा ट्रांजिशन पैराग्राफ होता है, 2 से 3 4 जुमलों का होता है, ये ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, एक हेड से दूसरे हेड पे आपने स्विच करना है। मैं बता देता हूँ डेमोक्रेसी के ये मसले मसाइल थे पहले, लेकिन अब ये चीजें जो मैं बताने लगा हूँ ये चीजें चेंज हो गई हैं, इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि फ्यूचर में डेमोक्रेसी बेहतर हो जाएगी, तो ट्रांजिशन पैराग्राफ आप बना सकते हैं। तो विद दिस हम बॉडी की बात पे अपने इस बात पे कंक्लूड करेंगे अपने बॉडी वाले लेक्चर को, और इसमें जो फर्दर क्वेश्चंस होंगे आपके वो मैं लाइव सेशन में एड्रेस करूंगा। थैंक यू सो मच।